प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। किसी जंगल में एक शरारती खरगोश रहता था, जिसकी जहानत की वजह से लोम्बा जैसा चालाक और सातर जानवर भी हार जाता था। इसीलिए वो खरगोश और उसके दोस्तों को तंग करता रहता था। एक दफा लोम्बर बड़ा सा बैग अपने कंधे पर उठा के चला जा रहा था। बैग में से किसी की चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। आवाजों से खरगोश को पता चला कि ये तो इसका दोस्त कछुआ है। अब खरगोश को अपने दोस्त को बचाने की फिक्र हो गई। खरगोश जंगल के दरमियान तेजी से भागता लोम्बर से पहले उसके घर पहुंच गया और उसने बागीची के सारे फूल तोड़कर बिखेर दिए और खुद घर के दरवाजे पे चुपके बैठ गया। जैसे ही लोम्बर कचरे वाला बैग उठाए अपने घर पहुंचा, तो खरगोश ने आवाज बदल कर कहा, ए लोम्बर, फौरन अपने बाग में जाओ, किसी ने तुम्हारे बाग के खूबसूरत फूल तोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। ये सुनते ही लोम्बर को गुस्सा आ गया। इसने बैग जमीन पर फेंका, छड़ी उठाई और बाग की तरफ भागा। खरगोश ने जल्दी से बैग खोला और अपने दोस्त कछुए को बचा लिया और उसकी जगह शहद की मक्खी का छत्ता रख दिया ताकि लोम्बर को सजा मिले। जब लोम्बर बाग में पहुंचा तो उसके बाग के सारे फूल बिखरे पड़े थे और वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था, तो उसे शक हुआ कि ये यकीनन खरगोश का काम है जिसने उसके बाग का नाश कर दिया है। वो दरवाजे पे वापस आया और बैग घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने बैग खोला, शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और वो जान बचाने के लिए घर से भाग गया और जाकर दरिया में छलांग लगा दी। दोस्तों, इस कहानी से हमने ये सबक सीखा कि अच्छे दोस्त मुश्किल वक्त में हमेशा काम आते हैं, इसीलिए अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और वो लोग जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके अपने साथ भी बुरा ही होता है।